वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस जर्नी। कैसे हो आप लोग माय फिटनेस जर्नी आर्मी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। सो गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि बेली फैट के लिए कोई अमेजिंग एक्सरसाइज लेके आओ। रिसेंटली मैंने आई गेस 1 मंथ पहले वीडियो डाला हुआ था बेली फैट पे, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारा रिकमेंडेशन आ रहा था कि इससे और एक्सरसाइजेज ऐसे ऐसे लेके आओ जो आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो आज जो मैं वर्कआउट्स लेके आई हूँ गाइज, ये आपको फॉर श्योर बहुत मदद करेगा आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में, क्योंकि मैंने ये सारे वर्कआउट्स खुद किए थे जब मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में थी। मैंने 3 मंथ्स के अंदर 16 kg वेट लॉस किया था। पहला मेरा वेट था 74 kg एंड अब हो गया 58 kg। एंड ये सारे वर्कआउट्स मुझे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दिए थे मेरे बेली फैट को कम करने में। तो ये जो वर्कआउट्स मैं आज बताने वाली हूँ वो आपको फॉर श्योर फॉलो करना है एकदम अच्छे से। जितना रेप्स जितना सेट्स मैं बताऊँगी वैसे वैसे आपको करना है। साथ में आपको फुल बॉडी वर्कआउट करनी है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो 500 टाइम स्किपिंग जरूर कर ले। साथ में एक अच्छा डाइट प्लान भी आपको फॉलो करना है गाइस, क्योंकि डाइट 80% इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरा ये वाला डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन को ऑल पे कर दो ताकि हर एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको सही टाइम से मिलते रहे। हमारा सेकंड चैनल भी है गाइस, लेट्स रोस्ट। अगर आपको रोस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो वो चैनल को भी जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वर्कआउट के साथ, जिसका नाम है डंबल क्रंचेस। आपके पास डंबल नहीं है, आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको सिंपली एक बॉटल ले लेना है एंड ऐसे ही आपको इसको परफॉर्म करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट है गाइज आपके बेली फैट के लिए, तो इसको ज़रूर परफॉर्म करें। इसके लिए आपको सिंपली मैट में लेट जाना है लाइक दिस। इस पोजिशन में आपको आ जाना है जैसे मैं पोजीशन में लेट रही हूँ, आपको एग्जैक्ट इस पोजीशन में आ जाना है। आपको एक बॉटल ले लेना है, अगर डंबल है तो आप डंबल ले सकते हो। आपका जो हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा लाइक दिस पोजीशन में। आप इनहेल करोगे एंड ऊपर आते हुए एक्सहेल, नीचे जाएंगे, इनहेल करना है, एक्सहेल, नीचे जाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल, नीचे जाना है, यहाँ अंदर इनहेल करना है, ऊपर आते हुए एक्सहेल करना है। आपका जो हैंड होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आएगा, एक्सहेल देन इनहेल। सो ऐसे ही करते हुए गाइज आपको ये वर्कआउट को परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स लगाना है, 20-20 का रेप मारना है। आई होप आपको ये वर्कआउट समझ आ गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला वर्कआउट। तो चलिए करते हैं अपना सेकेंड वर्कआउट, जिसका नाम है फ्लटर किक्स। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको मैट में बैठ जाना है लाइक दिस। इस पोजिशन में आपको आ जाना है गाइज, आप एग्जैक्टली मेरे जैसे कर रही हो आपको वैसे ही करना है। आपका हाथ का पोजिशन कुछ इस तरह से रहेगा लाइक दिस, ए लाइन पोजीशन में। आपका जो पैर होगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, आपको ऊपर अपलिफ्ट करना है एंड ऐसे करते हुए आपको ऊपर जाना है, फिर ऐसे करते हुए आपको नीचे जाना है, फिर ऐसे करते हुए आप ऊपर आएंगे, फिर ऐसे करते हुए आप नीचे जाएंगे। आपका जो लेग होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आएगा, आपको स्लोली नीचे जाना है देन फिर स्लोली ऊपर आना है, स्लोली नीचे जाएंगे देन स्लोली ऊपर आएंगे। सो ऐसे ही करते हुए गाइज आपको ये वर्कआउट को परफॉर्म करना है। टोटल 3 सेट्स लगाना है, 20-20 का रेप मारना है। अगर आप टाइमिंग के साथ कर रहे हो तो 60 सेकेंड करते हुए आपको 3 सेट्स लगाना है। आई होप आपको ये वर्कआउट समझ आ गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला वर्कआउट। सो गाइज, हमारा थर्ड वर्कआउट है इन एंड आउट। ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वर्कआउट है आपके बेली फैट के लिए, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा फेवरेट ये क्यों है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको पहले तो मैट में बैठ जाना है लाइक दिस पोजीशन में, एग्जैक्टली इस पोजीशन में आपको आ जाना है। और आपका जो हाथ होगा वो पीछे की तरफ रहेगा लाइक दिस। आपका जो पैर होगा आप जमीन के ऊपर रखना है आपको, और इनहेल करना है जब आप दूर जाते हो, इनहेल एंड देन एक्सहेल जब आप सामने आते हो, दूर जाएंगे इनहेल देन एक्सहेल। जितना नीचे पैर करोगे उतना अच्छा है, सामने आना है एक्सहेल देन इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आपका जो पैर होगा वो जमीन में आपको टच नहीं करना है, जितना आप नीचे पैर खोलोगे उतना अच्छा है। फिर सामने आना है, फिर पूरा बॉडी को खोलना है, फिर सामने आना है। जब पूरा बॉडी खोलोगे तो इनहेल करना है, सामने आओगे एक्सहेल करना है, इनहेल
एक्सेल इनहेल एक्सेल। सो ऐसे ही करते हुए गाइज आपको ये वर्कआउट को परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स लगाना है, 20-20 का रैप मारना है। आई होप आपको ये वर्कआउट समझ आ गया हो। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला वर्कआउट। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट जिसका नाम है स्ट्रेट क्रंचेस। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको मैट में बैठ जाना है लाइक दिस पोजिशन में। आपका पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा। आपको स्ट्रेट में लेट जाना है लाइक दिस, ठीक है। आपको पूरा ऐसे लेट जाना है लाइक दिस। इनहेल करना है, पेट अंदर सक करेंगे। इनहेल एंड देन एक्सेल करते हुए आपके टो को आपको टच करना है, ठीक है। अगर आप टो टच नहीं कर पा रहे हो फिर भी आप जितना बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहे हो कर लो। फिर आपको पीछे जाना है लाइक दिस। इनहेल करेंगे एंड देन एक्सेल करते हुए टो को टच करना है। पीछे जाएंगे, इनहेल करना है देन एक्सेल करते हुए टो को टच करना है। इनहेल करना है जब आप पीछे जाओगे, फिर एक्सेल करते हुए टो को टच करना है। इनहेल करेंगे लाइक दिस देन एक्सेल करते हुए टो को टच करना है। तो ऐसे ही करते हुए गाइज आपको ये वर्कआउट को परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स लगाना है, 20-20 का रैप मारना है। आई होप आपको ये वर्कआउट समझ आ गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला वर्कआउट। तो चलिए करते हैं गाइज अपना नेक्स्ट वर्कआउट जिसका नाम है माउंटेन क्लाइंबिंग। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको मैट में बैठ जाना है लाइक दिस। आपका जो हाथ होगा वो एकदम आपके चेस्ट के अपोजिट रखना है लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट पोजिशन में। आपको ऐसे ए लाइन पोजिशन में आ जाना है और आपका जो हाथ होगा वो आपके एल्बो से लाइक दिस टच होगा आपका जो ये पैर है, ठीक है। इसी को आपको फास्ट मोशन में करना है लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सो ऐसे ही फास्टली आपको इसको परफॉर्म करना है। ऐसे ही करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। इसका आपको 3 सेट्स करना है, 30-30 का रैप लगाना है। आई होप आपको ये वर्कआउट समझ आ गया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपना अगला वर्कआउट। तो चलिए करते हैं गाइज अपना नेक्स्ट वर्कआउट जिसका नाम है रशियन ट्विस्ट। ये आपके साइड फैट को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको मैट में बैठ जाना है लाइक दिस। और ये वर्कआउट करने के लिए आपको एक बॉटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ये बॉटल ले लिया है, आप भी बॉटल ले लेना, आप डंबल भी ले सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन में आ जाना है। आपका जो पैर है वो ऊपर रहेगा, ज़मीन में टच नहीं होगा। आपको बॉटल ले लेना है लाइक दिस एंड अपने साइड्स को ट्विस्ट करना है लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको आप स्पीड मोशन में भी कर सकते हो लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो पैर है वो ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए और अपने साइड्स को आपको ऐसे करते हुए लाइक दिस ट्विस्ट करते रहना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके गाइज आपको ये रशियन ट्विस्ट को परफॉर्म करना है। टोटल आपको 3 सेट्स लगाना है, 50-50 का रैप मारना है। सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपका आज का वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। आपको क्या करना है, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है, साथ में ये बेली फैट वर्कआउट्स करना है एंड साथ में आपको 500 टाइम स्किपिंग ज़रूर करना है। एंड विद इन अ वीक आप बहुत विजिबल रिजल्ट्स देखने लगेंगे। मैंने रिसेंटली बेली फैट पर एक और वीडियो डाला हुआ था, आप अगर उसको चेकआउट नहीं किया हो तो जाके उसको भी चेकआउट करना। आप वो सारे वर्कआउट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, सारे वर्कआउट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड अगर आप फॉलो करते हो तो विद इन अ वीक आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप अप्रिशिएट बस ऐसे ही कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करके, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कहीं भी शेयर करो गाइज। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सको ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके उनके बेली फैट को रिड्यूस करने में। तो फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट करके बताएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो यार सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब कर दो। और मेरे जो रोस्टिंग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दिखाओ गाइज। इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मैं हमेशा लाइव आते रहते हो। यहाँ आकर मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो आप। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दो। और फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो के साथ। तब तक इतना ही ज़्यादा प्यार दिखाओ, इतना ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ गाइज। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। Lots of love. Rhythm है, rhythm है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, ठीक। 2 मिनट बाद रही थी फाउल और वो ना जाप को